Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Manuṣyāṇāṁ sahasreṣu. Kaścid yatati siddhaye. Yatatām api siddhānāṁ. Kaścin vetti tattvataḥ. बहुत सुंदर श्लोक है, इसका मतलब समझिए. तो मैं बता रहा था कि एक बार क्या हुआ, हमको मणिपाल में इनवाइट किया था MIT कॉलेज. बहुत पुरानी बात है ये, तो मैं कॉलेज गया तो मैंने कहा क्या है, बोला नहीं यार माइंड कंट्रोल क्लास लें बच्चों का. और बिल्कुल उसमें उनके पास कॉलेज इतना डेवलप नहीं हुआ था, पुराना 2002 की बात. कॉलेज के ऊपर उनका लाइब्रेरी के ऊपर एक ऑडिटोरियम टाइप था, आई वेंट देयर. और सारे स्टूडेंट बिल्कुल सांड जैसे बैठे हुए हैं और पेयर्स में लड़का लड़की भी साथ साथ, चौथे साल तक दोस्ती हो जाती है, ग्रुप बना के बैठे. क्या कैस लोग है. तो मैंने बोला माइंड कंट्रोल का क्लास का, मेरे कोई उसमें प्रोजेक्टर कुछ नहीं था, मैं सीधा बोलता था धड़. मैंने माइंड कंट्रोल मतलब मातृवर्त परदारेशु, जैसे कि इसे स्त्री को देखोगे जो आपकी बीवी नहीं है उसको माँ की तरह देखना होता है, वो है माइंड कंट्रोल. करेक्ट. इसलिए ब्रह्मचार्य को पहला नियम ये सीखना चाहिए. ब्रह्मचारी को पहला नियम ये है, पहला प्रैक्टिस ये है, जैसे स्त्री को देखो हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी. करेक्ट. बोलते नहीं बोलते, दैट इज द फर्स्ट ट्रेनिंग. नहीं तो ब्रह्मचारी नहीं है, पाखंडी है. ब्रह्मचर्य मतलब ही कंट्रोल्स हिज सेक्स डिजायर. तपसा ब्रह्मचर्येना यमेन दमेन वा, फर्स्ट प्रिंसिपल इज कंट्रोल सेक्स डिजायर. नहीं तो ब्रह्मचारी नहीं है. फिर क्या करना, पैंट शर्ट पहन के रोड में काम करो. पक्षंत प्रभुपाद जी बोलते थे रोड में काम करो पैंट शर्ट पहन के, उसमें इज्जत है. लेकिन ब्रह्मचारी बन के पाखंड करो, वो ठीक नहीं है. करेक्ट. नहीं नहीं, ऑनेस्ट होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए. लोगों को साधु का ड्रेस पहन के, तिलक लगा के, कंठी माला पहन के लोगों को धोखा देना, ये बेमतलब का लोगों से इज्जत लेना. तो लोग तो मेहनत कर रहे हैं ना रोड में, आप भी मेहनत करो. करेक्ट. लेकिन साधु का ड्रेस में नहीं करना चाहिए, ये दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई टोल्ड ऑल दिस थिंग मातृवत परदारेश, द रिजल्ट वॉज ऑल बॉयज वर लुकिंग एट मी विद एंगल लाइक दिस एंड गर्ल्स वर ऑलरेडी क्राइंग, ऑलरेडी आंसू आ गए थे. मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था उसके बाद, मैं उतने में ही रुक गया. Then I took some simple class. The dean was very happy. He made my classes regular in the college. But aapki himmat dekh ke main daag maan gaya. So truth should be spoken, isn't it? This is the main mistake. Main mistake. Prabhupada also, jab America pahunche the, he told this. And there was a big revolt when Prabhupada spoke this. So many people came to fight with him. We should always tell the truth. Sach ko bolna chahiye bina dar ke. Sach se kyon darte hai? Sach mein kya hai? Ye to satya hai. Correct? तो दो माया हमारे और भगवान के बीच में है, ये श्लोक में समझाया है. एक माया महामाया. महामाया तो मतलब चार नियम है, सबसे मुश्किल नियम है इलिसिट सेक्स का. बाकी 90% सभ्य लोग फॉलो करते हैं. इसमें आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हो रही है इनके वजह, मीडिया की वजह से. एक्चुअली मेरा मन है कि ब्रह्मचारी को मोबाइल नहीं होना चाहिए. मे बी वो जो कॉल वाला मोबाइल है ना, काफ़ी है. बहुत कम लोग लायक हैं. ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप कुछ काम कर सकते हो. 99% लोग इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लायक नहीं है. जैसे चाकू है, अब छोटे बच्चों को आप चाकू दोगे तो हाथ काट देगा ना. तो ज़्यादातर लोग इससे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं. प्रभुपाद का शरण आए, चतुर महापुरु का शरण आए, तब भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती. एक बार एक मंदिर में मजाक हुआ था, एक बड़ा मोबाइल लेके आए. प्रेसिडेंट ने बोला उसको, अगर तू ये मोबाइल लेगा मैं गारंटी करता हूँ एक साल के अंदर तू ब्रह्मचारी नहीं रहेगा. बोला नहीं नहीं नहीं, मैं ढंग से यूज़ करेगा. एक साल से पहले वाइट ड्रेस चेंज हो गया था. नहीं, वो कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज पहले सटल होता है. सटल मतलब आप देखोगे, फिर आपको ग्रॉस चाहिए, ख़त्म, नाटक बंद.
क्योंकि नाटक क्या है ना, ज़्यादा दिन नहीं चल सकता नाटक को. आप दो दिन चलाओगे, तीन दिन, कितने दिन नाटक चलेगा, बंद होना ही है उसको. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट महामाया का प्रभाव से हमको निकलना है, और महामाया के प्रभाव के लिए आपको इलिसिट सेक्स के डिज़ायर से निकलना पड़ेगा, ठीक है ना. बाकी तीन ईजिली निकल जाते हैं, ये सबसे मुश्किल है. इसके लिए आपको तप करना पड़ता है, और तप क्या है, ध्यान से जप करना पड़ता है, करेक्ट. इनफैक्ट प्रभुपाद जी को बहुत बारी जब भी कोई बोला प्रभुपाद जी नहीं वो, मैं उस भक्त को जानता हूँ वो बड़े प्रॉब्लम है, प्रभुपाद जी बोले वो जप नहीं कर रहा, वो जप नहीं कर रहा. तो बोला नहीं नहीं प्रभुपाद जी, जहाँ तक मेरे को मालूम 16 माला, प्रभुपाद जी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता. कोई अगर 16 माला जप कर रहा है और वो नियम पालन नहीं कर रहा, हो ही नहीं सकता. प्रभुपाद जी बोले कि मेरे प्रोसेस में शक्ति नहीं है क्या, मेरे क्या हरि नाम में शक्ति नहीं है क्या. कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा लगता है नहीं अब तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं दारू पीता हूँ, सिगरेट पीता हूँ, आगे देखेंगे, आगे हरि नाम बचा देंगे. अरे हरि नाम को आगे क्यों बुलाते, वो तो अपराध हो जाएगा, अभी बुलाओ ना. जब माया आपको पकड़ लेती गले से तो उसमें लगता है अब कुछ नहीं होता, अब तो मैं सिगरेट पीता हूँ या दारू पीता हूँ या जो भी उल्टा काम करता हूँ, बाद में देख लेंगे हरि नाम बचा देगा. अरे बाबा हरि नाम अभी बचा देगा, बाद में क्यों सोचते हो. जोर का बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है. एक्चुअली हरि नाम में बहुत शक्ति है, ठीक है. भक्सन प्रभुपाद जी बोलते थे जितने भी दिल में कीड़े मकोड़े पेस्ट वर्म्स हैं हरि नाम से निकल जाते हैं, और मन में शक्ति आती है. कभी कभी लगता है नहीं हो सकता मेरे से, और एक्चुअली सबको अपना इंटीग्रिटी है, जब नियम पालन है नहीं हो सकता, मैं चलो रोड में काम करेगा, करेक्ट. नहीं, हरि नाम का अवसर है, ढंग से जप करो, करेक्ट. तो एक ही कमी एक्चुअली हमारे पास है, हम 16 माला नहीं जप करते, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर दो, बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. लोग सोचते हैं जैसे डॉक्टर ने आपको बोला कि आप 250 ग्राम मेडिसिन लो, और आप अगर उसमें से 10 ग्राम ले रहे हैं 15 ग्राम ले रहे हैं, तो आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा, आप तो डॉक्टर को धोखा दे रहे हो. तो प्रभुपाद जी ने 16 माला दो है, उसमें धोखा नहीं दीजिए. बहुत लोग बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, ऐसा कोई बिजी नहीं है जो 16, मैं तो मान ही नहीं सकता पृथ्वी में कोई एक आदमी ऐसा है जो बोले मेरे पास टाइम नहीं है 16 माला, जबकि कोई है ही नहीं ऐसा, सब नाटक, सबके पास टाइम है. लेकिन एक बारी जब आदमी बुरी आदतों में फंस जाता है, अपनी वीकनेस को नहीं एडमिट करता, फॉल्ट नहीं बट टाइम नहीं, टाइम तो सभी के पास है. देखिए आचार्य ने जो 16 माला का आदेश दिया ना, मैं सच बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानना. उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो जगत गुरु हैं. प्रभुपाद जी अपने गुरु के लिए बोलते थे मन की व्यास हो जाए, बक्सर प्रभुपाद जी तो विश्व के गुरु हैं. कुछ लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, कुछ उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो तो पूरे दुनिया के गुरु हैं, तो उनका जो आदेश है सबको पालन करना. और प्रभुपाद जी ने तो ज़्यादा करुणा में आदेश थोड़ा सिंपल कर दिया, वो तो 64 माला का आदेश देके गए थे बक्सर प्रभुपाद. प्रभुपाद जी ने 16 माला का, वो तो कोई भी कर सकता है. 64 माला आप घर में रह के मुश्किल से कर पाएंगे, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं ये सब, आप 64 माला नहीं कर सकते. मध्य में बैठे ब्रह्मचारी कर सकते हैं, करेक्ट, और करते भी हैं जनरली. जो पुजारी कुक डिवोटीज हैं 64 माला करना अच्छा है उनके लिए, बिकॉज टाइम बहुत रहता है. जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं उनके लिए मुश्किल हो जाएगा 64 करना, करेक्ट. कर सकते हैं, जब आप काम भी कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, जब करते रहो हो जाता है, करेक्ट. पुजारी भी क्या कर रहा है, पूरा दिन 4-5 घंटे काम है, उसके बाद 10 घंटा है आराम से. कोई मैंने बहुत अच्छे पुजारी देखे 64 माला जब करते हैं, उनका चेहरा देखो ऐसा तेज होता है उनका, आपने देखे. एक्चुअली कोई भी जनरली जो टेम्पल में रहते हैं भक्त, उनको 64 माला जरूर करना चाहिए, क्योंकि टाइम है. क्या करेगा आदमी पूरा दिन, क्या करेगा, खाली मन खाएगा एक्चुअली. लेकिन जो लोग इधर उधर भागते रहते उनके लिए मुश्किल होगा, उनको नहीं हो सकता, करेक्ट. एक्चुअली ऑर्डर है 64. प्रभुपाद जी को पूछा आपने बदल कैसे दिया, प्रभुपाद जी ने मैंने बदला नहीं है, ऑर्डर 64 का ही है, लेकिन जो आदमी बिजी है वो 16 कर सकता है, वो उन्होंने कंसेशन दिया. किसके लिए, जो बिजी है. आप देखो उसमें चूक नहीं होनी चाहिए, नहीं 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 मैं बिजी हूँ. देखो भगवान को धोखा नहीं दे सकते, करेक्ट. अगर आप सचमुच बिजी हैं 16 माला करो, और बिजी नहीं हो तो ज़्यादा जब करो, 20 करो 30 करो, ऐसा नहीं है 16 हो गया बैग रख दे, नहीं
30 करो 40 करो 50 करो 100 करो कुछ लोग हैं 100 माला भी जप करते हैं हमारे मैंगलोर में कुछ कॉन्ग्रीगेशन है ठीक है तो एक्चुअली जप करना चाहिए ठीक है ये बहुत अनिवार्य है कि जितना जप हो सके करना चाहिए इसमें आपको मन को पकड़ में आएगा ये मन को पकड़ना आसान नहीं है तो महामाया के चंगुल से आप निकलोगे जब आप हरिनाम के आश्रय लोगे पहला चीज करेक्ट हरिनाम के आश्रय से आपको शक्ति मिलता है चार नियम पालन करने का कलयुग में जनरली जो हरिनाम का आश्रय नहीं लिया चार नियम पालन नहीं कर सकता ठीक है बट एज सच इन थ्योरी में बोलते हैं थ्योरी में महामाया के चंगुल से आप डिटर्मिनेशन निकल सकते हो बिकॉज कलयुग का प्रभाव इतना डिस्टर्ब है हम लोग जब पढ़ते थे हम तो कभी कोचिंग गए ही नहीं आजकल कोचिंग के बिना लोग पढ़ नहीं पाते क्योंकि माया का प्रभाव बहुत हो गया बैठ नहीं सकता खुद उनको छोड़ो 5 मिनट नहीं पढ़ सकते या तो गेम खेलेंगे या मूवी देखेंगे या कुछ सोशल मीडिया में टाइम बर्बाद करेंगे बहुत कम लोग मैंने देखा है 5 मिनट उनको दे दो देखो पता चलता है आदमी का लक्षण क्या है उसको एक खाली कमरे में बंद कर दो ठीक है और उसको फ्री छोड़ दो बिना काम देखो क्या करता है क्या करता है पता था वो किस तरह का किस लेवल का आदमी है या तो महान भक्त भगवान का एक घटिया आदमी है उसमें आपको सत्य निकल जाएगा निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा फ्री छोड़ दो देखो क्या करता है मम्मी भी बाहर जाएंगी हम भी वो जब छोटे बच्चे थे इनके उम्र में घर में पढ़ाई करते थे तो मम्मी गई मार्केट पिताजी तो ऑफिस चले गए मम्मी अरे मम्मी गई मार्केट उसमें कुछ था ही नहीं एक दूरदर्शन खोल के बैठ बड़ी खुशी होती थी दोनों छोटे भाई थे हम लोग हैं उसमें तो था ही नहीं दूरदर्शन वो भी शाम को शुरू होता था 5:30 बजे हैं आपको याद है आप बहुत चैनल सो एनी वे सो द होल पॉइंट इज दिस दैट महामाया को थ्योरेटिकली आप चार नियम को अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे पार कर सकते हो ठीक है यही क्वीन कुंती बोलती है सेकेंड श्लोक में माया जमिनी का आच्छन्नम अग्ना अधोक्ष जमावयम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यो धरो यथा एक साइड हम हैं अग्ना अग्ना मतलब मूर्ख गधे भगवान की सेवा की एक्चुअली कुछ अच्छा नहीं है इच्छा ही नहीं है भगवान की सेवा करने की इंद्रिय भोग की बहुत इच्छा है एक साइड हम है मूर्ख महामूर्ख करेक्ट 24 घंटे हैं जितनी सेवा कम हो सके खुशी होता है करेक्ट जब है को जब जब माला क्या सिर दर्द एकादशी आ गई मर गए ये हमारी हालत है ये को क्या याद है मैं जब मंदिर ज्वाइन किया था तो मैं अपने टेंपल कमांडर के पास गया प्रभु जी कल एकादशी है आज अभी रात को शेव कर लेता हूँ क्योंकि शेव नहीं कर पाऊँगा कल ये तो बोले तुम्हारा क्या मूड है ऐसे डरे क्यों हुआ एकादशी से कि कल नहीं आज शेव कर लो अब जम के खा लेते हैं कुछ होता है एकादशी कल जम के खा लेते हैं मूड ही नहीं ठीक है तो शुरू में ऐसे डर लगता है सो माया के प्रभाव है जो महामाया के प्रभाव से निकलना आप अपना डिटर्मिनेशन से निकल माया जब निकाचन अग्ना को उठना है और ये डिटर्मिन करना है मैं चार नियम पालन करूंगा मैं गुरु को वचन दिया हूं पहला चेज ये महामाया का कर्टन उठ जाएगा जब आप चार नियम का दृढ़ संकल्प कर लोगे एक्चुअली थ्योरेटिकली आप इसको अपने बलबूते पे कर सकते हो चार नियम पालन कोई भी डिटर्मिनेशन से कर सकता है थ्योरी में पॉसिबल है लेकिन कलयुग के सोल के लिए बिना हरिनाम के शरण के ये भी संभव नहीं है ठीक है ना लेकिन योग माया का कर्टन आप नहीं खोलते वो भगवान खोलते हैं जैसे कुछ मंदिरों में देखें आपने दो कर्टन होते हैं पहला कर्टन खुलता है फिर दूसरा कर्टन खुलता है इस्कॉन के भी कुछ बड़े बड़े मंदिरों में दो कर्टन है पहला कर्टन खुल जाता है अभी भी आपको दर्शन नहीं होता एक और कर्टन होता है दूसरा कर्टन है तो पहला कर्टन आप उठा सकते हो हरे कृष्णा नहीं पहला कर्टन चार नियम पालन करने से उठा सकते हो दूसरा कर्टन उठाने के लिए आपको ध्यान से हरि नाम का शरण लेना पड़ेगा आप उसको छू भी नहीं सकते उसको भगवान उठाते हैं आपके हाथ में शक्ति नहीं है समझ रहे तो आपने ये श्लोक पढ़ा था ना अथ श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादौ स्वयमेव स्फुरत यतः जब आप भगवान के नाम की सेवा करते हैं नाम से भगवान की सेवा शुरू होती है नाम आदि मतलब नाम रूप गुण लीला सब तो शुरू से नाम अभी आपको गुरु भगवान का नाम देता है जब आप नाम की सेवा अच्छी करते हैं तो आपको फिर उसके बाद भगवान का रूप विग्रह अलग अलग सेवा मिलती है पहले क्या सेवा मिलती है नाम को ढंग से जप करो
ना भवेद सेवोन्मुखे जीवा, तो जब आप सेवा का भाव ले लेते हैं स्वयमेव स्फुरति अधहा, उसमें क्या होता है भगवान खुद उस कर्टन को उठा के आपको दर्शन दे देते हैं। ठीक है, तो ये आपका श्लोक सेट हो गया। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य में कोई एक एक ऐसा आदमी है, यतताम मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे, जो सिद्धि सिद्धि प्राप्त मतलब चार नियम से हो गया, वो सिद्ध पुरुष हो गया। करेक्ट, आप ये भी सिद्ध पर्व को अलग अलग तरह से डिफाइन करते थे, ये सोच लीजिए सिद्ध पुरुष मतलब सत्वगुण को प्राप्त हो गया, सिद्ध पुरुष मतलब जो ब्राह्मण को रियलाइज हो गया, सिद्ध पुरुष मतलब जो अपना जो भी प्रोफेशनल फील्ड में परफेक्ट हो गया, किसी भी तरह ले सकते हैं। पहला स्टेज आपकी मेहनत से हो सकता है, सेकेंड स्टेज आप कुछ नहीं कर सकते। यतताम अभी सिद्धानाम कश्चिम वाम वेति तत्व, जो लोग सिद्ध बनते हैं उसमें तो कोई रेयर, बिकॉज वो कृपा से होता है। पहला स्टेज आप अपनी मेहनत से कर सकते हो। आप सोचो मैं हर दिन सुबह ढंग से उठूंगा, करेक्ट, बहुत मंदिरों में देखा है मैंने जिन लोगों की सुबह की सेवा होती है थोड़ा जल्दी उठ के अपना जप कर लेते हैं, ये एक और तरीका है बचने का, पर्टिकुलर पुजारी कुक का, अगर माया से बचना है बिकॉज माया पकड़ के घी से घसीटेगी पूरे दिन, इससे अच्छा है थोड़ा जल्दी उठ के जप खत्म कर लो, 2 बजे ऐसा उठ जाओ, 2:30 बजे उठ जाओ, 3 बजे से 5 बजे तक जप खत्म कर लो तो अच्छा रहता है उनको। दैट इज़ गुड, समटाइम्स पीपल जो अर्ली सर्विस, बिकॉज वेरी चैलेंजिंग टू 10 बजे बाद जप करना करीब करीब असंभव है, मन बहुत विचलित रहता है इधर उधर, और कुछ बुरी आदत में फंस गए उसके बाद तो जप एक नाटक रहता है, बैग पड़ा रहता है, आदमी जप नहीं कर पाता। करेक्ट, मैं सच बोलता हूँ, लोगों को अच्छा कड़वा लगता है लेकिन सच बोलना चाहिए, अगर हम लोग भी कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे। करेक्ट, इसीलिए प्रभुपाद जी को भागवत सप्ताह पसंद नहीं थे। भागवत सप्ताह में जो प्रचारक होता है ना उसको लोगों से कुछ फ़ायदा लेना है, इसलिए प्रभुपाद जी भागवत सप्ताह को हमेशा बैन किए, करेक्ट, मना किए। उनका मन क्या होता है, लोगों को एंटरटेन करना है ना, लेकिन असली भागवत प्रचारक जो होता है कड़वे शब्द बोलता है, क्योंकि उसके बिना प्रगति नहीं होगी। प्रभुपाद जी वृंदावन आए थे तो सब लोगों ने भक्तों ने सोचा आप तो प्रभुपाद जी कृष्ण की लीला बताएंगे, राधा रानी की लीला बताएंगे। प्रभुपाद जी सुबह आए, ये रूम क्लीन क्यों नहीं है, एक एक करके डांट मारे थे लोगों, क्या है? तो सोचे राधा लीला, अरे तुम क्या लीला सुनोगे, पहले साफ रहो, सत्वगुण में हो, समझ रहे? तो ये चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंशियल है। चैतन्य महाप्रभु भी आप देखिए पब्लिक में खाली हरिनाम की इवन बोले भी नहीं कुछ। नेक्स्ट स्टेज उनको थोड़ा उन्होंने बेसिक ज्ञान दिया, नेक्स्ट स्टेज उनको गीता का ज्ञान दिया, नेक्स्ट स्टेज भागवत का ज्ञान दिया, और नेक्स्ट स्टेज खाली 2-3 लोगों को उन्होंने राधा रानी का कृष्ण का प्रेम का ज्ञान दिया, कहें स्वरूप दामोदर और 2-3 रामंदर राय सिक्की महाती, बस खाली इन 3 लोगों को राधा कृष्ण लीला के बारे में बात की, बाकी तो बात भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके लायक नहीं है पब्लिक, करें तो बहुत कुछ बोला जा सकता है इसमें, लेकिन ये इतना मूल ज्ञान समझ आ जाना चाहिए। हमारे भगवान के बीच में 2 कटे हैं, माया जमिनी का आच्छन्नम अग्ना, एक साइड हमें अग्ना, और अगर हमने कर्टन उठा भी दिया डिटर्मिनेशन से कृष्ण अधोक्ष जाए दिखते नहीं है, अधोक्ष जाए मतलब आपको नहीं दिखेंगे, उनको जब इच्छा होगी आपके आगे दर्शन होगा, मतलब दूसरा कर्टन है। ईशोपनिषद में भी लिखा है हिरण्यमयन पात्र है ना, भगवान अपनी तेज को थोड़ा कम करो दिख नहीं रहे, तो दूसरा कर्टन ये है। यतताम अभी सिद्धानाम कश्चिम महावेदी तत्व होता है, वो बहुत रेयर कृष्ण सबके लिए नहीं खोलते, जब कृष्ण आपकी सेवा से खुश होते हैं तब खोलते हैं, समझ रहे? तो उसके भगवान की सेवा आपकी जब चलती रहेगी, जब तप चलता रहेगा, जैसे हम सुबह मॉर्निंग डिस्कस कर रहे थे ब्रह्मा को भी कितना तप करना पड़ा भगवान के दर्शन के लिए, कह रहे तो आपके बिना तप के दर्शन हो जाएगा क्या? और तपस्या मतलब नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नो इलिसिट सेक्स, और नो इलिसिट सेक्स मतलब इसको संभालो सबसे पहले, पर्टिकुलरली लड़कों के लिए इसको संभालो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको संभालो, नहीं तो माँ पिताजी को वापस कर दो मोबाइल, पिताजी वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट, आई कांट हैंडल। जस्ट लाइक अर्जुन को कृष्ण ने क्या बोला था, अष्टांग योग करो, अर्जुन ने क्या बोला, कृष्ण जी नहीं हो सकता सच। एक्चुअली जिंदगी में ना सच बोलना चाहिए, बड़ी खुशी होगी। अर्जुन कितना बड़ा योद्धा था, कितना बड़ा योद्धा था, तब भी कितना सच्चा था, मेरे से नहीं हो सकता। ठीक है, तो बेटे पिताजी ने बड़ा, आजकल क्या है बच्चों को ज़्यादा खुश करने की कोशिश करते, बड़ा मोबाइल दे दिया,
भरोसे में बच्चा ढंग से पिताजी मेरे से ढंग से यूज नहीं होता इसको रख लो एक फोन कॉल वाला दे दो कहीं कह रहे वी शुड बी वेरी ट्रूथफुल इफ यू कैन यूज गुड इफ यू कैन नॉट यूज इट्स ट्रूथफुल दिस विल किल मी है ना व्हाट डू यू से ठीक है ना इफ यू कैन यूज वेरी गुड अदरवाइज रिटर्न आई ठीक है That is for everybody, for girls also. All the facilities actually. Somebody said the biggest joke is, computers are created to save time. In every college, they tell, see, mera experienced students se thoda jyada hai because wahi kar raha. Parents ko phone karte hain, pitaji, studies ke liye laptop chahiye. Wo studies to usme ek second bhi nahi hoti uske baad. Khali be matlab ki cheez hai and they spoil their life after that. Theek hai na? So father is very kind, very merciful. उनसे आप facilities लीजिए लेकिन उसका कभी दुरुपयोग नहीं करिए है ना उपयोग होना चाहिए We should use it for what you said. We should be very truthful, no? किसके लिए पिताजी देते हैं मोबाइल पढ़ाई करने के लिए कुछ फोन अर्जेंट कोई फ़ोन हो बेटा उठा लेना फ़ोन है ना इसलिए तो आप उसको दे के जा रहे हैं मोबाइल बेटा हम बाहर से फ़ोन करेंगे उठा देना इसलिए मोबाइल रखो लेकिन उसमें कुछ और नहीं होना चाहिए ओनली फ़ोन कॉल से Actually, 5 minutes, not more than that. We have to see what is happening in the world. Okay? We should have time. Keep it aside. So much work is there. Life is so rare. Very, very rare. Very, very rare. There is a very nice shloka which has been misunderstood. What is the shloka? Which I always say. When Ananda uses the shloka, misuses the shloka. No, not Balina. Huh? Yes. Uttishta jagrata prapta varan nivodat. Uttishta matlab utho. Jagrata matlab jago. Aapko bahut bada ek var mila hai. Prapta varan nivodat. Theek hai? And then next line says, Uttishta jagrata prapta varan nivodat. And then next line says, Kushurasya dhara nishita durateha. Ye jo jeevan hai, एक चाकू की तरह है शूरस धारा जैसे चाकू की धार होती है और थोड़ा सा गलती हो खून निकल आता है जैसे आप सब्जी काटते हैं थोड़ा सा गलती हुआ खून आ जाता है करेक्ट कट जाता है इतना खतरनाक है ना शूरस धारा निश्चिता दुरत्या दुर्गम पथा यत कवयो वदंती बड़े बड़े कवि लोग बोलते हैं ये जो रास्ता है बहुत मुश्किल है इसको आसान नहीं समझना भगवत धाम जाना ये बोल रहे थे लोग बोलते हैं भक्ति का मार्ग बहुत आसान है प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में आसान बोलने में आसान है पालन करने में आसान नहीं है लोग बड़े बड़े लोग फिसल जाते हैं इस रास्ते से करेक्ट वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस एंड टेक हेल्प Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 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 Hare